Allah, 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 Allah. Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, Nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. My dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Our topic today is a brief account of the following human rights. And number one is right to life. Human rights, what do you mean by human rights in Islam? Hum already padh chuke hain. Aur ab kuch rights ke bare mein, aapke syllabus mein jo hai ki un rights ke bare mein hume brief introduction, brief account likhna hoga. To usme sabse pehle jo hai ye right to life hai. कि इस पे इस्लाम में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है. The first and the foremost basic right is the right to live and respect human life. जो पहला और बहुत ही ज़रूरी जो है right दीन इस्लाम में भी वो है कि एक ज़िंदगी का वो जो है पूरा एहतराम किया जाए. और ख़ास तौर पर जो इंसान होता है, कोई भी इंसान हो, किसी भी कौम से वो ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब का कोई इंसान हो, तो हमें उसकी जो ज़िंदगी है उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी समझना है और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है. ऑलमाइटी अल्लाह सुबहानहू व तआला सेज़ इन हिज बुक चैप्टर नंबर 5 सूरतुल माईदा वर्स नंबर 32 के من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اگر اس نے کوئی فتنہ فساد کیا ہوگا دنیا میں اس کے بغیر فكانما قتل الناس جميعا उसने जैसा कि गोया कि उसने सारी ज़िंदगी कत्ल कर दी, सारी इंसानियत कत्ल कर दी. वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, जिसने किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, किसी एक इंसान की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, गोया कि उसने सारी इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया. हूएवर किल्ड अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट as a punishment for murder or for spreading corruption in the land shall be regarded as having killed all mankind. Aur jis kisi ne bachaya to whoever saved a human life shall be regarded as having saved all mankind. To yani दीन इस्लाम में पनिशमेंट के तौर पर इंसानों को जिन्होंने कत्ल किया होगा या जिन्होंने फसाद फैलाया होगा दुनिया में, देखिए फसाद फैलाया जा सकता है कत्ल गारत से भी, और एक होता है कोई जाके किसी इंसान को कत्ल करे, दूसरा ये कि खूने ना हक इतना बहा दे यानी फसाद दुनिया में बर्पा कर दे, कत्ल गारत का इस तरीके से वो अपना वो जाल बिछा देता है कि किसी को ये पता नहीं चलता है कि किसने किसको मारा और कौन क्यों मारा गया. तो इस चीज पर पनिशमेंट तो दीन इस्लाम में है. एज ए पनिशमेंट अगर होगा तो देयर इज ए प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ इन इस्लाम, तो वो ये फैसला कर सकता है कि किसने, अगर किसी ने कत्ल किया है, अगर किसी ने फसाद के तौर पर कत्लगारत को फैलाया होगा तो उनके लिए सजा है. उसके बगैर कोई भी इंसान किसी एक इंसान को अगर मारेगा तो कुरान उसे कहता है कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया. और अगर किसी इंसान ने एक इंसान को बचाया तो उसने गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया यानी सारी दुनिया के लोगों को बचाया. तो ये कुरान करीम जो है दीन इस्लाम में इस चीज़ की पूरी तरह से ये वजाहत कुरान करीम में हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत सहाबों के सामने फरमाई है. और फिर सहाबा के दौर से खुलफाए राशिदीन के दौर से लेकर आज तक दीन इस्लाम की जो हिस्ट्री है, जो मुसलमानों की जो तवारीख है, उसमें ऐसे कई नमूने मिलते हैं
जहां पर मुसलमानों ने इंसानियत का इलाज किया, मुसलमानों को जिंदा रहने का, उनकी जिंदगियों का, उनको तहफ्फुज देने का उन्होंने सबक आमोज मिसालें कायम की है। तो इन एनी केस नो ह्यूमन बीइंग हैज एनी राइट बाय हिमसेल्फ टू टेक ह्यूमन लाइफ इन रिटेलिएशन और फॉर कॉजिंग मिसचीफ ऑन दिस अर्थ। किसी भी इंसान को हक नहीं है कि वो इंसानी जिंदगी को लेकर दुनिया में फितना फसाद कायम करे। ये दीन इस्लाम में किसी भी इंसान को हक नहीं है, कोई भी अगर हो दीन इस्लाम में। इफ एनी वन हैज मर्डर्ड और ह्यूमन बींग इफ एनी वन हैज मर्डर्ड अ ह्यूमन बींग इट इज एज इफ ही हैज स्लेन द एंटायर ह्यूमन रेस। जैसा अभी कुरान करीम की आयत में सूरतुल माईदा की आयत में मैं भी बता चुका हूं। तो ये दीज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिपीटेड इन द कुरान इन अनदर प्लेस वेयर ऑलमाइटी अल्लाह सेज वला तक्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक। डू नॉट किल अ सोल व्हिच ऑलमाइटी अल्लाह हैज मेड सैक्रेड एक्सेप्ट थ्रू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट इज मेंशन सूरतुल अल इनाम चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 151। यानी किसी को भी, किसी नफ्स को आप न मारे, किसी नफ्स को आपको मारना नहीं है जो अल्लाह ताला ने हराम किया है, इल्ला बिलहक, हां अगर हक पर हो। तो अगर उसने किसी को मारा होगा, अगर उसने कोई ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी सजा उसको इस्लाम कहता होगा, तब स्टोरी इज देन स्टोरी इज डिफरेंट। एज सच किसी भी इंसान को मारना जायज नहीं है। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, दीन इस्लाम में बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें कोई कलर, कास्ट, क्रीड वगैरह का कोई वो नहीं रखा गया है इसमें। चाहे मुसलमान हो कोई, कोई क्रिश्चियन हो, कोई जीव हो, कोई हिंदू हो, तो हम किसी को मार नहीं सकते हैं, इल्ला बिल हक। हाँ, जब हक की बात हो तब देखा जाएगा। और मारने के लिए अदरवाइज भी दीन इस्लाम में एक कोर्ट होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जिसमें काजी लोग बैठे होते हैं। वो उनकी वो काम है कि वो देखे कत्ल कैसे हुआ, क्यों किया, क्या मामला है, फिर उसके बाद उसके लिए वो जो सजा है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो दी जाती है। तो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डिक्लेयर्ड होमिसाइड किलिंग ऑफ समबडी, किसी को मारना, एज द ग्रेटेस्ट सिन ओनली नेक्स्ट टू पॉलिथिज्म। द ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीड्स, The greatest sin are to associate something with Allah subhanahu wa ta'ala and to kill human beings. बड़े गुनाहों में शुमार किए जाते हैं। एक गुनाह यह है कि हम अल्लाह ताला को जो क्या है वो शरीक ठहराए अल्लाह ताला के सामने, एक वो होता है सबसे बड़ा गुनाह। और दूसरा गुनाह यह है कि हम किसी भी ह्यूमन बींग को कत्ल करें। तो क्या हमारे, क्या दीन इस्लाम की क्या शान है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी रीजन से, दुनिया के किसी भी रीजन से वो ताल्लुक रखता हो, उसको मारना जायज, कतअन जायज नहीं है। तो अब अगर हम देखेंगे आजकल की दुनिया में, तो ये है राइट टू लाइफ है हमारे सिलेबस में, राइट टू लाइफ के बारे में और भी बहुत सारे कुरानिक वर्सेस है, ये अहादीस है, लेकिन हमें ब्रीफ अकाउंट देना है। तो अब अगर देखेंगे हम आजकल की दुनिया में, आप देखिए दुनिया के जितने सारे सुपर पावर ममालिक है जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, आप देखिए उन्होंने दुनिया में क्या मारदार रखी हुई है। इनको, उनको दुनिया में ये वो सोचते हैं कि हम लोगों को खत्म करें, हम दुनिया में कौमों को खत्म करें, और वो अपना वो जो उनका जो अपना इंटरेस्ट होता है, अपने फायदे होते हैं उस चीज के लिए। तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें मिल सकती है, हमारे सामने इराक है, हमारे सामने सीरिया है, हमारे सामने पैलेस्टाइन है, हमारे सामने अपना कश्मीर है। तो कोई किसी की नहीं सुनता है, किसको मारा जाता है, कौन मारता है, क्यों मारता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इट इज, किसी को ये पता नहीं चलता है। तो अब बता दीजिए कि जो लोग ये करवाते होंगे, जो इन चीजों इस खून बहाने के पीछे जो लोग होंगे, तो आप बता दीजिए कि वो कितने कमीने होंगे, और उनके खिलाफ इस्लाम ने जो ये पनिशमेंट रखा है तो कितना
सही कुरान का फरमाना है कि इल्ला बिल हक, हक के बगैर आपको नहीं मारना है। तो इससे हम यही सबक भी हम हासिल कर सकते हैं कि इस्लाम कभी भी कहीं भी किसी को मारने की इजाजत नहीं दे सकता है। दुनिया में हमें इस तरह एग्जांपल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो आप आजकल जो आप अगर टीवी वगैरह देखोगे तो रोज बरोज की खबरों में भी आप देख सकते हैं कि कहां पर कितने इंसानों को मारा जाता है, कहीं कहीं पर सौ सौ दो दो सौ हजार हजार की तादाद में लोगों को मारा जाता है, बट किसी को कोई केयर ही नहीं होता है। हमें अफगानिस्तान की मिसाल सामने है, हु वाज बिहाइंड द किलिंग ऑफ दोज पीपल, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते होंगे वो लोग, लेकिन इंसान को तो मारा जाता है एंड नो कोर्ट नो ट्रायल, कोई भी किसी भी चीज के लिए देखा नहीं जाता है। तो अगर अब हम देखेंगे इस एतबार से कि उनके पास भी ह्यूमन राइट्स है, उनके पास भी लिखे हुए वो इंसानी लिखे हुए कायदे कानून पड़े हुए हैं उनके किताबों में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दे आर नॉट अप्लाइंग दैट, तो वो वहां पर फिर उसको बंद करके जो उनके जी में आता है वैसा कर देते हैं। तो ऐसा मामला इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में जो ये डिवाइनली चीजें दे दी गई है, राइट टू लाइफ, यहां पर अल्लाह का दिया हुआ कानून है, नोबडी हैज अथॉरिटी टू चेंज दैट। यहां पर जो भी कोई कानून दे दिया गया है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और उसमें कोई भी तरमीम, कोई भी चीज, किसी भी किस्म की वो ना कट शॉर्ट और कट और यू कैन इंक्रीज समथिंग, उसमें कोई भी वो गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल राइट टू लाइफ आज हमने किया कंप्लीट, इंशाल्लाह ताला कल का देखेंगे कौन सा राइट पढ़ना होगा हमें। तो तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको भी सेहत सलामत से रखे और मुझे भी सेहत सलामत से रखे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन।